हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे MSc CS फाइनल के असाइनमेंट। अगर आपने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपने अभी तक MSc CS फाइनल के असाइनमेंट अगर आपने नहीं बनाए हैं और जुलाई 2020 और या जनवरी 2021 में आपका फर्स्ट ईयर है, मतलब MSc CS का अगर आप फर्स्ट ईयर है और अगर आपने अभी तक असाइनमेंट आपके नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। MSc फाइनल ईयर के जो असाइनमेंट है इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं MSc CS फाइनल जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के जो असाइनमेंट है। तो यहाँ से आप अपनी जो पहले सबसे पहले आप अपनी जो शीट है, मतलब जो आपको असाइनमेंट की जो मिला है आपको PDF 386 जिसका कोड नंबर है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन मिलान करें। तो पेज नंबर के हिसाब से आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करें, जैसे कि फर्स्ट पेपर जो है कोड नंबर MSc CS 201, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बी प्लस ट्री गिवन एग्जांपल, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डैग डीएजी डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसके जो आंसर है वो यहाँ पे प्रिपेयर है। यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज बी प्लस ट्री गिवन एग्जाम्पल, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे तैयार हो गया है और इसके आपको डायग्राम आपको बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेम एनी टू एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पेनिंग ट्री, इसी तरह से ये जो डायग्राम आपको बनाना होता है। सेक्शन जो बी है इसका भी पहला क्वेश्चन, इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो, और ये डायग्राम आपको बनाना होता है स्टैक के अंदर पुश और पॉप की जो एक्टिविटीज है, जिसमें एक एक डेटा जो जा रहा है वो आपका पुश कहलाता है, जो डेटा निकल रहा होता है वो पॉप कहलाता है, तो उसकी डायग्राम आपको बनाना होती है। साथ ही वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम जो है जिसमें मिनिमम वर्टेक्स होना चाहिए, कम से कम वायरिंग होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर का जो ये पार्ट है, तो उसके लिए है। सेक्शन सी में कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है जिसमें यहाँ पे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों के जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दिए हुए हैं और दोनों में डिफरेंस भी है वो दे दिया गया है। तो अगली हम पेपर की हम बात करें MSc CS फाइनल की, अगर आप स्टूडेंट हैं जुलाई 2020 या जनवरी 2021 के, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ से इसके जो आंसर है इसकी PDF आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो यहाँ से देख सकते हैं MSc CS 202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर, तो इसकी जो PDF इसका जो क्यों आंसर देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन मिलान करें व्हाट इज द नल माइक्रोज, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द मेनोनिस, एंड व्हाट इज द ओप कोड गिवन एग्जांपल। तो यहाँ पे जो इसके आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द नल माइक्रोज, इसमें जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं। और व्हाट्सअप के लिए आप मेरे नंबर देख सकते हैं PDF के लिए 7976271752। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो क्वेश्चन है और इसके जो आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ 8085, मतलब ये जो आर्किटेक्चर है ये आपके जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसकी रजिस्ट्री के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना दिया गया है। थर्ड सीट की हम बात करें तो पहला जो थर्ड पेपर जो अपना है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन मिलान करें व्हाट इज द कपलिंग गिवन एन एग्जांपल। तो यहाँ पे जो इसके आंसर है यहाँ पे दिए हुए हैं व्हाट इज कपलिंग गिवन एग्जांपल, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आप यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्पोनेंट ऑफ द केस, ये डायग्राम आपको साथ ही बनाने होते हैं और लाइनदार पेज के बढ़िया सी राइटिंग में आपको जमा करा के 31 जुलाई 2021 तक आपको ये जमा करा देना है। अगली PDF के बारे में हम जाते हैं, तो पेपर नंबर है आपका MSc CS 204, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है जुलाई 2020 या जनवरी 2021 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप मिलान करें व्हाट इज द डेडलॉक गिवन एग्जांपल, तो इसके जो आंसर जिसमें से सेक्शन बी में से कोई भी दो क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन सी में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं MSc CS 204 सेक्शन ए के अंदर मोबाइल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7976271752 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसकी PDF चाहते हैं। तो व्हाट इज द डेडलॉक, साथ ही डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो PDF है इसमें आपको बिल्कुल एज इट इज आपको डायग्राम बना के आप अपने असाइनमेंट के लिए भर के जमा करा दें और टाइम से जमा करा दें। जो लास्ट पेपर है MSc CS 205 डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क, इसका जो आंसर है आप यहाँ मिलान करिए गिव द एग्जाम्पल ऑफ द फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं MSc 205 के जो आंसर है यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। और अगर आप MSc CS PGDCA कंप्यूटर साइंस BCA या MCA की अगर आप स्टूडेंट्स हैं और इसके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी प्रोजेक्ट बनाने में असाइनमेंट बनाने में पूरी हेल्प की जाएगी।
तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जल्दी से अपनी जो असाइनमेंट है 31 जुलाई तक आप जमा करा दें। और असाइनमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप जो नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7976271752 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।